नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE न्यूज़। आज की खबर संयुक्त अरब अमीरात से। संयुक्त अरब अमीरात की अजमान बाजार में हुआ भीषण अग्निकांड आज दुनिया भर के देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हादसे में करोड़ों का नुकसान हुआ है। भले ही इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन अग्निकांड का भयानक नज़ारा इससे रूबरू होने वाले लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको बता दें कि दुबई की अजमान मार्केट में यह आग बुधवार 5 अगस्त 2020 को सुबह करीब 6:30 बजे लगी थी। यहां फल और सब्जियों के सबसे बड़े बाजार में यह भीषण अग्निकांड हुआ। UAE के अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक यह भयानक आग इंडस्ट्रियल एरिया में लगी। आग की उठती लपटों को काबू में करने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इधर शेख सुल्तान बिन अब्दुल्ला अल नुमी ने बयान में कहा कि बाजार के कुछ हिस्से जो कोरोना वायरस की सावधानियों के कारण 4 महीने से बंद थे, पूरी तरह से जल गए हैं। उन्होंने कहा कि साइट को बंद किया जा रहा है और जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण हमें दुबई से CNE के एक नियमित पाठक ने इस अग्निकांड के कुछ वीडियो भेजे हैं, जिन्हें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।